हर एक वंश के महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में हर एक वंश का राजा बना। बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना की और राज्य के विस्तार के लिए जिम्मेदार था। बिंबिसार भगवान महावीर के समकालीन और बुद्ध के संरक्षक थे। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार राजा बिंबिसार युद्ध के ज्ञानोदय से पहले पहली बार बुद्ध से मिले थे। जैन साहित्य के अनुसार उन्हें राजगृह का राजा क्षणिक कहा जाता था। बिंबिसार ने वैवाहिक गठबंधन और विजय के माध्यम से अपने राज्य को मजबूत किया। हर एक वंश की राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रदीता के चिकित्सा उपचार के लिए चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार की 3 पत्नियां थीं, कौशल देवी, चेलना और खेमा। बिंबिसार को उनके पुत्र अजात शत्रु ने कैद कर लिया और मार डाला। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। अजात शत्रु बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे। वह 492 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़ा। अजात शत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजात शत्रु को कुनिका के नाम से भी जाना जाता था। अजात शत्रु ने वज्जियों लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध में संघर्ष किया, लेकिन उन्हें हराने में कामयाब रहे। अजात शत्रु ने विजय और विस्तार की नीति का अनुसरण किया। मगध उनके शासनकाल में उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह में पहला बौद्ध युग आयोजित किया गया था। अजात शत्रु ने लिच्छवी हमले से सुरक्षा के लिए राजगढ़ के चारों ओर एक बड़े किले का निर्माण किया। अजात शत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में उनके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिपुत्र में नई राजधानी की स्थापना की। उदयन ने 461 ईसा पूर्व से 744 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।